मैं रामविलास पासवान का बेटा हूं, मैं चाहूंगा कि ये बिल नहीं पास हो सके। ये मेरी पहली कोशिश होगी, ये काम गजारी में जरूर वादा करता हूँ। आपका आप लोग की दुआ चाहिए, आप लोगों का ताकत चाहिए हमारे साथ, और मैं हर जगह मजबूती के साथ अपनी बात रखता हूँ। मैं जरूर चिराग पासवान के साथ हूँ, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जब जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की अपनी बात रखी है, जब तक अपनी बात बोली है और कहीं ना कहीं उसने उन्होंने एक्शन लिया है और उन्होंने कहा कि मैं रामविलास पासवान का बेटा हूँ, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि कॉमनल फिजा हो मुल्क के अंदर। मैं मुस्लिम हूं, मैं सिर्फ मुसलमान हूं, पार्टी कोई भी हो, और सबसे खुशी की बात यह है कि इस मजलिस में हर पार्टी के लोग हैं, और खास के एक प्लेटफॉर्म पे जब एक मुसलमान अपने हक की आवाज के लिए जमा हो तो उस मजलिस में हमारे हुजूर की बात हो, अल्लाह की बात हो, तो कहीं ना कहीं बरकत उस मजलिस की होगी, और दुआ की बरकत से इंशाल्लाह आम लोगों की, तो आप लोगों की दुआओं की बरकत से इंशाअल्लाह वक्त का जो कानून, जो नया कानून बनने जा रहा है, या अल्लाह ने करे ऐसा कानून बने। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि चिराग पासवान आए थे यहाँ पे, उन्होंने उनके सामने हम लोगों ने बात रखी थी। हमारे कुछ सालिक साहब, हमारे प्रधान महासचिव जो दिल्ली में बैठते हैं, उनको हमने बुलाया था, यहाँ पे आए थे, तो हमने अरुण भारती जी जेबीसी इस कमेटी के मेंबर है वो, उनको मैंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वक्त के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ। मैंने फिर हजरत से मैंने बात की, इदारा शरिया, हमारा शरिया काफी हर जगह से लोग उस मीटिंग में शामिल हुए, और मैं बता दूं जिस पार्टी से मैं ताल्लुक रखता हूं वो एनडीए में जरूर है, एनडीए में है, लेकिन चिराग पासवान ने जो बंद कमरे में सारे मौलानाओं से, हमारे हजरत से, हर जगह से आलिमदीन वहां पे आए थे, उन्होंने यही कहा था कि मैं चाहूंगा कि जो वक्त का जो नियम आया है, जो कानून पर सरकार ने बनाया, मैं चाहूंगा कि वो कानून एज इट इज रहे, वो न बदले। इसलिए कि हमारी जो हमारे एमपी है जमुई के, अरुण भारती जी उसमें मेंबर है, और इस पर काफी हम लोगों ने मुशक्कत किया, और मुझे उम्मीद है, मैं देख रहा हूं इनकी जो उनकी फिक्र है, और बहुत जगह मैंने देखा इस चीज को, इसलिए कि कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से जो बात रखी गई है पार्लियामेंट में, शायद और सी बात में रखी गई, लेकिन इस वक्त को लेकर जो बात रखी गई है वो तो बहुत मजबूती से बात रखी गई, और काफी हद तक मैं देख रहा हूं कि अभी भी जब 21 जब इससे पहले जब मीटिंग थी 21 के, इसके बाद 25 को मीटिंग है, मैंने साहब से मैंने बात की थी इस सिलसिले में, तो कहीं ना कहीं वक्त की मीटिंग जो हुई है, और उस मीटिंग को लेकर के सारे रहनुमा और सारे लोगों ने इस पर मौकूफ जाहिर किया है, और अरुण भाव मैं बता दूं आपको, चिराग पासवान ने यही कहा कि मैं रामविलास पासवान का बेटा हूं, मैं चाहूंगा कि ये बिल नहीं पास हो सके। ये मेरी पहली कोशिश होगी ये बिल पास ना हो सके, और ये बिल के लिए मैं जरूर मुखालफत करूंगा। जैसे वक्त की बिल रखा है, चीज हमारा है वक्त, या गरीबों की संपत्ति है, गरीबों की चीज है, पार्टी कोई भी हो, हर इंसान, हर लोग, हर जगह पे सब जमा होते हैं। मुसलमान पे औंगली उठाने का काम ये हुकूमत करेगी तो वहां पे पार्टी को भूल के सब एक प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह आइए, इसमें बरकत है, इसमें भलाई है। और कहीं ना कहीं मैं इमाम गजाली में जरूर वादा करता हूँ, आप लोग की दुआ चाहिए, आप लोगों का ताकत चाहिए हमारे साथ, और मैं हर जगह मजबूती के साथ अपनी बात रखता हूँ। मैं जरूर चिराग पासवान के साथ हूँ, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जब जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की अपनी बात रखी है, जब तक अपनी बात बोली है, और कहीं ना कहीं उसमें उन्होंने एक्शन लिया है, और बता, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उन्होंने अपने घर पे बुलाया सारे उलमा किराम को, उन्होंने कहा कि मैं रामविलास पासवान का बेटा हूं, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि कॉमनल फिजा हो मुल्क के अंदर। कॉमनल इसलिए कि अभी इससे पहले कारी शेख साहब ने बात कही थी, और उसने सुना था सारी बातों को बारा, लेकिन हर लोग अपनी पार्टी के बारे में बताते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मुसलमान हैं, पहले मुसलमान उसके बाद कोई और। जब मुसलमान के कानून को बदला जाएगा, जब मुसलमान के कानून पे उंगली उठाई जाएगी, तो पार्टी एक तरफ, मुसलमान एक तरफ। मैं आप लोग के साथ हूँ इंशाअल्लाह, आपकी ताकत चाहिए, आपका दुआ चाहिए, और खासकर मैं अपने सांसद अरुण भारती जी का तारीफ करता हूँ, जो बहुत ही मजबूती के साथ अपनी बात रखा है इस बार के वक्फ बोर्ड
में जो नियम बदला रहा है वो नियम नहीं बदला जाए, नहीं बदला जाए, नहीं बदला जाए। मैं इमाम गजाली लोक जनशक्ति पार्टी का मिलाप इस बिल के खिलाफ है, खिलाफ है, खिलाफ है।